देव भूमि कहा जाता है। साथ ही साथ देवों के देव महादेव को भी यहाँ की धरती अत्यंत प्रिय है। आज देश भर में शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तराखंड की धरती सिर्फ महादेव ही नहीं, माता पार्वती के लिए भी जानी जाती है। महाशिवरात्रि के पहले यानी कि पूर्व संध्या पर देर शाम शिव की ससुराल यानी कि दक्षेश्वर महादेव मंदिर में शिव के घंटे, घड़ियालों और बड़े बड़े डमरों की थाप पर विशेष आरती की जाती है। इससे पहले शिव के विवाह का भव्य श्रृंगार भी होता है। महाआरती में भारी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। पुराणों के अनुसार फागुन चतुर्दशी के दिन भगवान शिव का माँ पार्वती के साथ विवाह हुआ था। शिव के विवाह के इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिव की ससुराल दक्षेश्वर मंदिर को भव्य रूप से भी हमेशा की तरह सजाया जाता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के अखाड़े के श्री महंत और अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि कनखल भगवान शंकर की ससुराल है और फागुन महीने की चतुर्दशी को भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व यहाँ धूमधाम के साथ मनाया जाता है और दिन विशेष महाआरती का आयोजन भी है और शिव के विग्रह का भव्य श्रृंगार भी किया जाता है। मंदिर का निर्माण कब हुआ था? दरअसल दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा ही लगी रहती है। इसका नाम सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम पर रखा गया है, जिसके बाद इसका पुनः निर्माण 1962 में किया गया था। ये महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों के लिए तीर्थ स्थान है। मान्यता है कि इस जगह पर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सर काटा था। दुनिया के हर शिव मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, बस यही एक मंदिर है जहां शिव के साथ दक्ष प्रजापति के कटे सिर की भी पूजा होती है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के पांव के निशान बने हुए हैं। वहीं दक्ष महादेव मंदिर के पास गंगा नदी बहती है। यहां शिव भक्त गंगा में स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करते हैं। कनखल को भगवान शिव का ससुराल माना जाता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के कनखल हरिद्वार में स्थित है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक राजा दक्ष की बेटी यानी कि देवी सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। मान्यता है कि ये वही मंदिर है जहां राजा दक्ष ने भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में भगवान शिव के अलावा राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं, ऋषियों और संतों को आमंत्रित किया था। माता सती अपने पिता द्वारा पति का अपमान नहीं सह पाई और यज्ञ की अग्नि में कूद कर अपने प्राण त्याग दिए। मान्यता है कि जिस यज्ञ कुंड में माता सती ने प्राण त्यागे थे वो आज भी मंदिर में अपने स्थान पर है।